How are you all? I am Neelam from Holy Child Public School, Rewari. Students, आज मैं आपके सामने फन क्लास लेकर आई हूँ. तो बच्चों, आज हम पढ़ाई ना करके कुछ फन एक्टिविटी सीखेंगे. तो बच्चों, उस फन एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होती है वो हम देखेंगे. तो देखिए, सबसे पहले इस फन एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए. सबसे पहले एक स्केल चाहिए, और उससे पहले एक चार्ट पेपर, फिर एक टेप, फिर उसके बाद एक सेलो टेप चाहिए, फिर पेन सेलो टेप, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें सीजर आप देख रही हैं, फिर पेंसिल, कलर. तो ये आपको सीजल मार्कर और जो पतले वाले स्केच पेन होते हैं वो दोनों तरह के चाहिए. सीजल मार्कर तो आपको कलर भरने के लिए, और पतले वाले जो छोटे पतले मार्कर हैं वो आपको बाउंड्री ड्रा करने के लिए चाहिए. तो ठीक है बच्चों, ये मटेरियल आपको ज़रूरी ही चाहिए, क्योंकि जिस हम एक्टिविटी का यूज बनाने जा रहे हैं जो हम, और उसके लिए फिर आपको A3 शीट चाहिए, A4 साइज शीट, ठीक है, प्लेन. अब हम क्या करेंगे, इस A4 साइज शीट पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो चार्ट पेपर है उसके ऊपर क्या करेंगे, 5-5 इंच के स्केयर्स ड्रा करेंगे. जैसे देख रहे हो आप सामने, मैं 5-5 इंच के गैप पर निशान लगा रही हूँ, और देख रहे हो आप, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो हम इस पे क्या कर रहे हैं, 5-5 मतलब जो सेंटीमीटर है उसके उसके गैप के ऊपर निशान लगा रहे हैं. इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, 5-5 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर हम निशान लगा देंगे. तो बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद दोनों तरफ से निशान लगाने के बाद हम उनको एक दूसरे से निशान मिलाएंगे, और 5-5 सेंटीमीटर के जो स्केयर है वो हम बना लेंगे. ठीक है बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि मैं 5 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर लाइनें खींच रही हूँ, और धीरे धीरे करके उनको मिला रही हूँ, और मिलाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको स्केयर बनाएंगे. ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर इधर से फिर दोबारा मैंने शीट को फोल्ड कर दूसरी साइड घुमा दिया, और ये आपके 5 सेंटीमीटर के स्केयर्स बनते जा रहे हैं. जिन जो एक स्केयर्स है, अब आप देख रहे हो कि ये 5 सेंटीमीटर के स्केयर्स बनते जा रहे हैं. ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन स्केयर्स को हम इस तरह से काटेंगे जैसे हमने आपको पढ़ाया था ना, क्यूब की जो नेट होती है, इस स्केयर को हम उस तरह से काटेंगे कि जैसे कि क्यूब की नेट होती है. अब देखिए हम इसको काटते वक्त कैसे करें काटेंगे. देखो, अब आप जैसे हम क्यूब की नेट काटते हैं ना, तो हम उसको उसी तरह से काटेंगे. देखिए, पहले हमने क्या किया, एक स्क्वायर काटा, उसके साथ हमने 3 स्क्वायर्स और उसके साथ साथ काटते जा रहे हैं. जो 2 स्क्वायर है वो कंप्लीटली ज्वाइंट काटेंगे. हमने इसको देखो किस तरह से मैं काट रही हूँ, आप भी ट्राई करना कि आप भी इसी तरह से इसको काटना, और काटते वक्त बड़े ध्यान से काटना कि जो वो शेप बने वो किसकी नेट बने, वो हमारी क्यूब की नेट ही बने. अब आप देखेंगे कि मैंने इसकी शेप को लगभग लगभग काट ही लिया है. आप देख रही हो ना कि इस तरह से इसकी शेप को काटते जा रहे हैं, और काटते काटते ये हमारी शेप बन गई, एक
नेट ऑफ द क्यूब, क्या बन गई बच्चों, एक नेट ऑफ द क्यूब। आप देख रहे हो ना ये कि नेट ऑफ द क्यूब कैसे बनती है, कि जो चार स्केयर्स होते हैं वो जो तीन दो आपस में बराबर हैं और एक ऊपर से आता है उसके ऊपर से, ये हमारी क्या बन गई, नेट ऑफ द क्यूब। क्या बनी है बच्चों, नेट ऑफ द क्यूब। तो इस पेपर को हम इस तरह से काटेंगे, थोड़ा काटने में समय लग रहा है क्योंकि इसको बड़े ध्यान से काटते हैं, अगर एक भी स्केयर गलती से कट गया तो हमारे जो वो क्यूब हैं वो नहीं बन पाएंगे, इसलिए काटते वक्त बड़े ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमें कोई भी स्केयर गलत ढंग से नहीं काटना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमने ये काट लिया है, ये बन गई हमारी नेट ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नेट ऑफ द क्यूब को एक स्केल की जो है हेल्प लेकर इसको फोल्ड करते रहेंगे और हर जहाँ पे ये स्केयर आया वहीं पर इसको फोल्ड करते रहेंगे। आप देख रहे हैं जैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ मैं बारी बारी से, तो इसको हम फोल्ड करते रहेंगे और फोल्ड करने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये देखो हमने इसको बारी बारी फोल्ड किया, अब फोल्ड करते वक्त इसको एक क्यूब की शेप दे दी, क्या बन गया बच्चों, ये क्यूब। अब क्या करेंगे, हम इस क्यूब को सेलो टेप लगा देंगे चारों तरफ, जो आप दूसरा क्यूब देख रहे हो उस पर मैंने ऑलरेडी सेलो टेप लगा रखी है। तो इस तरह से करके हम फोर पेयर ऑफ द क्यूब बना लेंगे, कितने पेयर बनाएंगे, फोर पेयर ऑफ, इट मीन्स आठ क्यूब हम बना लेंगे। जैसे मैंने ये धीरे धीरे करके अभी पांच ही बनाई हैं, तो आप देखेंगे कि मैं आठ क्यूब्स बारी बारी बना लूँगी। अब देखिए आपको, अब हम क्या करेंगे, इन क्यूब के बीच में दोनों के एक एक टेप करेंगे, दोनों को ज्वाइंट करने के लिए टेप लगाएंगे। आप देख रहे हो दूसरी तरीके से भी देखिए, ये टेप फोल्ड हो जाता है उसके ऊपर, इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। ऐसा ही दूसरा स्केयर पेयर उठाएंगे और उसको भी हम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे, एक टेप लगाएंगे उसके बीचों बीच और उसको हम इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इस तरह से देखेंगे जब ये दोनों फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो ये आ गया उसके ऊपर और ये भी इसके ऊपर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह से टेप को ज्वाइन करते करते फोर पेयर बना लेंगे। आप देख रहे हो ये फोर, ये टू पेयर्स बन गए। इसी तरह से आप देखेंगे हम एट पेयर बना लेंगे कि जो आपस में एक दूसरे के ऊपर ढक जाएंगे। ठीक है, ये जैसे आप फोर पेयर टू पेयर्स बन गए, इसी तरह से हम टू पेयर्स और बनाएंगे। तो आप देखिए उधर कि मैंने ये सारे एट पेयर्स फोर पेयर्स बना लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको देखेंगे, खोल के देखेंगे तो टेप मैंने देखा आपने कहाँ कहाँ लगाई है, इसके पहले यहाँ इस साइड में अपर पार्ट पे लगाई जिससे कि ये खुल जाए और बंद हो जाए। इसी तरह से फिर मैंने टेप देखो आप उसके पिछले दो बीच वाले स्केयर्स पे लगाई हैं जिससे कि उसको खुलने में कोई परेशानी ना हो और वो फोल्ड हो जाए। तो आप टेप भी बड़े ध्यान से लगाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर लगाई है, क्यों, क्योंकि इसको भी जब हम फोल्ड करेंगे तो ये आपस में खुल जाए और कहीं से भी इसको खोलने में दिक्कत ना हो। तो आप देख रहे हो आप, मैंने एक पूरा खोला, समझ में आया बच्चों, इस तरह से मैंने फोर पेयर ऑफ द स्केयर बना लिए। अब फोर पेयर ऑफ द स्केयर बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, इस ये फिगर मैंने कुछ ड्रा करी है जिसमें कुछ में कलर किया कुछ में बाकी ये करना, तो मैंने ये फिगर ड्रा कर ली है। ड्रा करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इन फिगर्स को कट करेंगे। मान ली फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इन फिगर्स को क्या करना है, कट कर दिया। कट करने के बाद जैसे हम देख रहे, आप देख रहे हो कि मैं इसमें वीडियो में इस लेक्चर में ये फिगर कट कर रही हूँ और धीरे धीरे कट करने के बाद मैंने इसको दोनों फिगर्स को अलग अलग कर लिया है। तो देखिए आप, ये फिगर मैंने ड्रा करी, थोड़ा मुश्किल तो लगेगा लेकिन बच्चों है बड़ा इंटरेस्टिंग, आप भी ट्राई करना।
क्योंकि बहुत अच्छा है ये, जिसको आप कभी भी किसी भी अपने दोस्तों को दिखाओगे, पेरेंट्स को दिखाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसको कट करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी फिगर्स को ऐसे ही अलग अलग कट कर लेंगे, ठीक है। और जो बड़ी फिगर्स है उसको हम क्या करेंगे, उसके भी हम जो बड़ी फिगर है जहाँ पे हमारा 8 स्क्वेयर्स का स्पेस है, उसे हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर स्क्वेयर्स पे उसकी फिगर के अकॉर्डिंग उसको लगाते जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं आपके सामने ये फिगर कट कर रही हूँ और उसको 8 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते हुए उस फिगर को हम इस तरह से पेश कर देंगे। ये फिगर मैंने 8 पार्ट में डिवाइड करी है और सभी स्क्वेयर्स पर, क्यूब्स पर फिगर पेश कर दी है। जब भी मैं इस फिगर को खोलूँगी तो आप देख रहे हो इन सभी फिगर्स को कि जो हमारी पिक्चर आएंगी वो सभी इस तरह से आएंगी और सब कंप्लीट फिगर नज़र आएगी, ठीक है बच्चों। आपको ये कैसा लगा, ये है क्यूब। क्या बना बच्चों, क्यूब। और जब हम इसको बीच में से खोलेंगे तो देखना कि ये एक लास्ट फिगर इसकी इस तरह से आई है। तो बच्चों आपको ये कैसा लगा, शायद आप भी खुद कोशिश करना और इसको ट्राई करना। सिर्फ एक बार पेस्ट करने में दिक्कत है कि इसको पेस्ट कट करके ही करना है, वरना ये फिगर जो आपस में ज्वाइंट होके नज़र नहीं आएगी। तो आपको बताना कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी। आई होप यू ऑल्सो ज्वाइन राइट एंड कम्प्लीट इट एंड शो मी। ओके, थैंक यू।